ओके जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल जी हाँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है जहाँ पर आप अपने एग्जाम की तैयारी के हिसाब से अपना एक अलग सा चैनल चूज कर सकते हैं, वो भी कब जी? यहाँ पर आपको नाइट बैचेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट दिन में तैयारी नहीं कर सकते हैं उनके लिए रात में पूरी तरीके से क्या है, क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे जी, ऐप पर जाकर चेक कर लेंगे। साथ के साथ जो है यूट्यूब पर भी आपको क्लासेस मिल रही है, तो उसको एक बार आपने चेक कर लेना है। कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत मिनिमल चार्जेस पर जो है, मिनिमम चार्जेस पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, पूरे के पूरे कोर्सेज हैं, एक बार आप क्या करेंगे इसको चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको सारी पीडीएफ और जितने भी अभी तक तो यूट्यूब पर भी आपको जो प्लेलिस्ट है आपके सब्जेक्ट्स की, आपके एग्जाम्स की, आपके फैकल्टीज की अलग अलग जो है वो मिल रही है कैटेगरी वाइज। लेकिन इसके बाद जो है अभी कुछ समय के बाद ये सारी की सारी जो जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे वो पीडीएफ है चाहे वो क्लासेस हैं, वो आपको ऐप पर मिलेंगी। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर पूरी जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर बताई गई है, कैसे कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है जी, चलिए अब क्या करेंगे जी, अब इसके बाद हम लोग अपने आज की क्लास की बात करेंगे। आज जो हमारी क्लास रहेगी, आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, ठीक है जी, 25 क्वेश्चन जो किससे, हमारी 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मुख्य जो हमारा फोकस है किस क्या है, टीजीटी पीजीटी 2023 में का जो एग्जाम है उसको लेकर है। और जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे साथ में। और उसी के साथ आज के थंबनेल पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज के थंबनेल पर, एक मिनट गाइस, आज के थंबनेल पर आपको किसका, किसकी जो पेंटिंग है वो दिखाई देगी, वो किसकी है जी, प्रवेश की। ठीक है, ये प्रवेश के द्वारा भेजी गई पेंटिंग है, केजीएफ जी, यश की इन्होंने पेंटिंग बनाई है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। किसने भेजी है ये, प्रवेश ने भेजी है। तो इसके बाद इसी तरीके से आप लोग पेंटिंग भेजते रहिए सबकी, क्या है कुछ पेंटिंग्स में आपको बाद में दिखाऊंगी भी, और कुछ जो आर्टिस्ट हैं जो टीम की तरफ से सिलेक्ट किए जाते हैं वो आपको थंबनेल पर भी दिखाई देंगे। अब अगर आज के टॉपिक की बात करें वो तो हमने डिस्कस कर लिया, आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा और दिन के सेशन से अलग होने वाला है। रीजन क्या है, आज की आपकी जो क्लास है वो आपकी प्रीमियर क्लास रहेगी। ठीक है जी, प्रीमियर क्लास रहेगी, लेकिन कोशिश क्या करनी है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे 1 बाय 1 सब ने सॉल्व करने हैं, आंसर आप सभी लोग देंगे, क्योंकि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्लेस वेयर आर्टिस्ट यूज टू पेंट इन द मुगल पीरियड वॉज कॉल्ड, यानी कि मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है कारखाना, ऑप्शन बी है गृह इसको कहा जाता था, ऑप्शन सी है स्टूडियो, या ऑप्शन डी है महल। ठीक है जी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स में देखूंगी जरूर। ठीक है, और आपकी जो क्वेरीज रहेंगी वो भी आपने करना क्या है, यहाँ पर छोड़ देनी है, आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप लिखकर डाल दीजिएगा। जैसे हम लोग लाइव सेशन लेंगे मैं आपकी क्वेरीज जो हैं ये कोशिश करूंगी उनको सॉल्व करने की, या आप लोगों की क्वेरीज जो हैं उनको हम फुलफिल करेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारखाना। क्या है जी, ऑप्शन ए कारखाना इज द राइट आंसर, यानी कि मुगल काल में जिस स्थान पर चित्रकारी की जाती थी उसे कहा गया, उसे कहा जाता था कारखाना। अब ये कारखाना सबसे पहले किसके समय में स्थापित किया गया था, तो अकबर के समय में। किसके समय में, अकबर के समय में इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। अब देखिए ये तो बात होगी जिस स्थान पर बैठकर जो है कार्य किया जाता था उसे कारखाना, आगे चलकर हम लोग देखेंगे तस्वीर खाना। इससे पहले का जो हमारा सेशन था वहां पर मैंने आपको तस्वीर खाना के बारे में बताया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये तो बात की हमने जहां पर चित्रकारी करते थे, अब इसी तरीके से आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर मुगलिया कागज के बारे में आपने सुना है, जिसे सियालकोटी कागज भी कहा जाता था, इसके लिए भी एक कारखाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में, सबके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, आईने अकबरी से। अब देखिए आईने अकबरी में कहा गया है कि भाई उस समय पर जो चित्र बनाए जाते थे उसके लिए अलग अलग तरह के जो कागज है उनका प्रयोग किया जाता था, और उन कागजों के बारे में वहां पर कुछ ना कुछ उल्लेख भी मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें सियालकोट
ठीक है, सियालकोट कहाँ पर था, जो उस समय का पंजाब प्रांत था वहां पर सियालकोट है। वहीं पर ही एक मुगल कारखाने की स्थापना की गई थी, जहां पर क्या है स्पेशली अगर हम बात करें तो चित्रकला के लिए या चित्रकारी के लिए एक विशेष प्रकार के कागज को वहां पर बनाया जाता था, जिसे मुगलिया कागज या साथ में क्या कहा गया सियालकोटी कागज उसे कहा जाता है। इसका प्रयोग बाद में किया जाने लगा था मुगल काल में, यानी कि चित्रकला के लिए। ठीक है, तो होप सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो, डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक कारखाना तो वो भी था जहां पर कागज का निर्माण किया जाता था, और वो स्थान जहां पर मुगल कलाकार सबसे पहले जो है बैठकर चित्रकला का, या हम लोग कह सकते हैं चित्र बनाया करते थे, उसको भी कारखाना ही कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग हैज मोर ब्राइट कलर्स, यानी कि पहाड़ी लघु चित्र शैली की किस उप शैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए है गुलेर शैली, ऑप्शन बी है बसौली शैली, ऑप्शन सी है चंबा शैली और ऑप्शन डी है कांगड़ा शैली। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है, बात की जा रही है पहाड़ी लघु चित्र शैली की उप शैलियों की, यानी यहाँ पर भारतीय लघु चित्रकला शैली की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन में ही क्या है, जो हमारी पहाड़ी शैली की उप शैलियां हैं उनके नाम दिए गए हैं। अब इन उप शैलियों में भी जो सबसे ज्यादा भड़कीले जो चटक रंग होते हैं वो कौन सी उप शैली में इनका प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। चलिए जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देती जाऊंगी, ताकि क्या है ऐसा ना लगे ना कि मैम ने बुलेट ट्रेन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम जरूर दूंगी मैं कि आप लोगों का आंसर आ जाए। ठीक है जी, तो देखिए इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बसौली शैली। क्या है, बसौली शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज जो आपको समझनी है, यहाँ पर पूछा गया है कि वो पहाड़ी लघु चित्रकला शैली की उप शैली जहां पर भड़कीले रंगों का प्रयोग है, तो ये कौन सी हो जाएगी जी, ये बसौली शैली हो जाएगी, जहां पर आपको पूछा जाएगा रंगों का सिरमौर, है ना, रंगों का सिरमौर या रंगों का महाकाव्य, रंगों का महाकाव्य। ठीक है जी, तो ये क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, तब होगा कांगड़ा शैली। ठीक है, याद रखेंगे तब कांगड़ा शैली आपका आंसर सही होगा। अब दोनों में फर्क क्या है, जो बच्चे कंफ्यूज हैं पहले तो वो ढंग से समझेंगे। पूछा गया है भड़कीले रंग, यानी कि ये कौन से रंग होंगे जिनमें जो बहुत ही चटक रंग होंगे, बहुत ही गहरे रंग होंगे, और इनमें हमें मिश्रित रंग जो है वो प्रयोग में नहीं दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको किसी भी जो रंग है, कोई भी जो चटक रंग है, उसमें आपको सफेद रंग मिलाकर उसको हल्का नहीं किया गया होगा, यानी एग्जैक्ट क्या है, अमिश्रित रंगों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कौन से रंगों को, अमिश्रित रंगों को। अमिश्रित कलर्स कौन से होते हैं, जिसमें किसी भी कलर में कोई दूसरा कलर नहीं मिलाया जाता है, तो ये कौन सी शैली है, ये उप शैली है बसौली शैली। ठीक है, अब हम बात करते हैं रंगों का सिरमौर या रंगों का महाकाव्य। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि जहां पर आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं, चटक रंग भी देखने को मिलेंगे, हल्के रंग भी देखने को मिलेंगे, यानी कि गहरे और हल्के दोनों तरीके के रंग देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे, वो हो जाएगी हमारी कांगड़ा शैली। ठीक है जी, तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे यहाँ पर डिटेल मैंने दी है, लेकिन उसके बाद भी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है जी, चलिए। और वैसे भी अगर हम बसौली शैली की बात करते हैं, हमें पता है जहां पर बहुत अधिक गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कैसे होंगे, चमकदार रंग होते हैं। कैसे रंग होते हैं, चमकदार रंग होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से लाल पीला और नीला रंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, लाल पीला और नीला रंग मुख्य रूप से दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, वेयर आर इंस्टॉल्ड मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर डन बाय राम किंकर बैच, यानी राम किंकर बैच के द्वारा निर्मित अधिकांश मूर्ति शिल्प कहाँ है, ये कहाँ पर है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, कला भवन शांति निकेतन में, या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में। राम किंकर बैच के द्वारा निर्मित अधिकांश मूर्ति शिल्प कहाँ पर है। चलिए
चलिए ठीक है जी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी कला भवन शांति निकेतन। कहाँ पर? कला भवन शांति निकेतन में। पूछा क्या गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्ट सॉरी इंडिया, हमें पता है नई दिल्ली में, यहाँ पर भी यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, जो किसने बनाई है? राम किंकर वैज ने बनाई है। हमें पता है स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, जब ये किया जा रहा था कि जी भारत में जितने भी जो सार्वजनिक इमारतें हैं उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा, तो इसी कड़ी में राम किंकर वैज को जो है इनको भी एक लेटर भेजा गया था। किसकी तरफ से? हमारे उस समय के जो तत्कालीन, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि भी आपको भी मूर्तियां बनानी है, तो इसी कड़ी में जो यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा आज भी हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में देखने को मिलती है, उसके परिसर में देखने को मिलती है, तो ये उस समय की मूर्ति बनी है। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट जी नहीं, यहाँ पर नहीं है। कला भवन शांति निकेतन, अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में भी शायद इनकी कुछ एक मूर्तियां हैं, लेकिन ज्यादातर मुख्य रूप से यहाँ पर पूछा गया है अधिकांश मूर्तियां, ठीक है जी। तो अधिकांश मूर्तियां जो है इनकी वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं? वो कला भवन शांति निकेतन में ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि राम किंकर बैज सर की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था, इनकी कला की शिक्षा भी शांति निकेतन में ही हुई थी। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, बड़ी अच्छी सी कहानी है इनकी, ठीक है जी। शांति निकेतन से ही इन्होंने अपनी कला की शिक्षा आरंभ की थी, और उसके बाद यहीं पर ही इन्होंने क्या किया, एक शिक्षक के रूप में अपनी सर्विसेज जो है, अपनी जो सेवाएं हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर दी थी। अगर हम बात करें इनकी लाइफ का, इनके जीवन का सबसे ज्यादा अधिक समय जो है वो शांति निकेतन में ही व्यतीत हुआ है, इसलिए इनसे संबंधित जो ज्यादातर इनके कार्य हैं वो भी हमें शांति निकेतन में ही देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम बात करेंगे इनके बारे में, कहा जाता है कि 1925 से लेके है ना 1930s तक का ये वो समय था जब राम किंकर बैज के द्वारा बनाई गई अधिकतर मूर्तियां जो हैं उनके द्वारा जो शांति निकेतन का परिसर जो है वो एक भरपूर रूप से एक कला का, या अगर हम बात करें मूर्तियों के रूप में, एक दिखाई देने लगा था। यानी उस पूरे के पूरे परिसर को इन्होंने अपनी मूर्तियों से भर दिया था। चाहे हम सुजाता की बात करेंगे, चाहे हम बुद्ध की बात करेंगे, चाहे हम मिल कॉलिंग की बात करेंगे, चाहे हम संथाल परिवार की बात करेंगे, ये सारे की सारी इनके जो सबसे प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? शांति निकेतन में ही देखने को मिलते हैं। और इसके बाद ही यहाँ पर ही ये जो शिल्प कला विभाग था, यहाँ के ये विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ द फेमस पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल राधिका, यानी कि बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। ये कौन है? ये मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगदई हैं, मनु पारेख हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं, या ब्रह्मदत्त शर्मा हैं? इसने बंगाल शैली में बनाई गई राधिका नाम की एक पेंटिंग को बनाया है किस कलाकार ने? रहमान चुगदई हैं, मनु पारेख हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं, या ब्रह्मदत्त शर्मा हैं? जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर देंगे जी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। इन्होंने ही राधिका नाम से एक पेंटिंग बनाई थी। कौन सी शैली में? बंगाल शैली में इन्होंने बनाई थी। अगर आपको इससे एक डीप क्वेश्चन और एक 1% और डीप अगर पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गाइस, ध्यान देंगे, ये प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है कि राधिका को किसने बनाया है जो बंगाल शैली में बनाई गई है। अब इसको बनाया है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगदई ने बनाया है। इसको कौन से माध्यम में बनाया है? एक स्टेप डीप तो ये है, जल रंग, ठीक है। जल रंग की टेम्परा और वॉश पद्धति में इसको बनाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग है जो रहमान सर ने बनाई थी, तो ये जो पेंटिंग है इसमें उन्होंने राधा को दिखाया है जो कैसी है, जो एकदम कृष्ण के प्यार में है, और उनके जो मनोभाव है, उनके यानी कि जो हाव भाव है, उनको एक 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 जो युवती है जो एकदम प्रेमालाप में है, उस माध्यम से, उस तरीके से इसको दिखाया है। बात करेंगे ये कहाँ पर सुरक्षित है, तो ये अभी एट प्रेजेंट राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान से देख लेना है। कहाँ पर सुरक्षित है जी? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कौन है? राधिका पेंटिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु पेंटेड द फेमस कंटेम्प्रेरी यानी कि मॉडर्न इंडियन पेंटिंग गॉसिप? गॉसिप को किसने बनाया है जो प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? गपशप। मुख्य रूप से गॉसिप क्या है, ये तो हम कहते हैं ना कि भाई गॉसिप इट्स लाइक चुगली करना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय चित्र गपशप को किसने चित्रित किया है? विश्वनाथ मुखर्जी ने किया है,
विमल दास गुप्ता ने किया है, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने किया है, या बीसी सान्याल सर ने किया है, इसको किसने चित्रित किया है गपशप को। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है, क्योंकि ये बहुत बार अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि मुख्य रूप से ये पेंटिंग किस पर बनाई गई है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु भी आपको पूछी जा सकती है, गपशप विषय वस्तु। ठीक है जी, तो दोनों चीजों के आपने आंसर देने हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या है सी ऑप्शन? यानी कि नारायण श्रीधर बेंद्रे इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब आपको पता चल गया है किसने बनाई है। देखिए ये जो पेंटिंग है, अभी हम विषय वस्तु की भी बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, ये जो पेंटिंग है इसका जो बैक है, इसका जो बैकग्राउंड है, वहां पर हमें पीला और लाल, वो भी कैसा, जैसे मलमेटा सा धूसर रंग होता है ना, वो उन रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। और वो भी कैसे, यानी कि अभी मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगी भी, यानी यहाँ पर कहा गया है कि बेतरतीब ढंग से, ठीक है, यानी कि ब्रश को कैसे है तिरछा तिरछा जो है इसमें चलाया गया है, सीधा सीधा सॉरी चलाया गया है, और कहीं ना कहीं सारे रंग जो है मटमैले से रंग हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे विषय वस्तु की, तो ये जो गपशप जो पेंटिंग है इसे विषय वस्तु है जो भारतीय ग्रामीण होते हैं, ठीक है, जो पनघट पर या तालाब में कहीं ना कहीं पानी भरने जाते हैं, और वहां पर क्या है, गांव की सारी स्त्रियां जो हैं घर के काम काज के बाद जब ये पानी लेने जा रही हैं तो वहां पर सब इकट्ठी हो जाती हैं, और वहां पर इकट्ठी होकर क्या करती हैं जी, बातें करती हैं, गपशप करती हैं, उसी को यहाँ पर इस पेंटिंग में स्थान दिया गया है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। एक दूसरे के साथ दुख सुख भी किए जा रहे हैं, हंसी मजाक भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी विषय वस्तु तो यही है, यानी भारतीय ग्रामीण जीवन, और उसके साथ साथ पनघट पर जो है, जो आपस में जो सहेलियां हैं, गांव की सहेलियां हैं, गांव की स्त्रियां हैं, एक साथ मिलकर वहां पर जा रही हैं या बैठकर बातचीत करती हैं, यही इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि जी गपशप जो किसके द्वारा, एनएस बेंद्रे के द्वारा बनाई गई है, कहाँ पर संरक्षित है, तो ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संरक्षित है। याद रखेंगे कहाँ पर, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, ठीक है। और इसको ये देखिए कुछ ऐसे बनाया गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब हम एनएस बेंद्रे सर की बात करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर जो इन्होंने महिलाओं का चित्रण किया है वो थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिलता है ना। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। अभी अगर हम बात करें तो पीछे बात की जा रही है कि धूसर और मटमैले जो कलर्स हैं उनका प्रयोग किया गया है, ठीक है, बेतरतीब ढंग से, तो यहाँ पर आड़े टेढ़े जो ब्रश का प्रयोग किया गया है उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पनघट का चित्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच मेथड वॉज अप्लाइड फॉर कास्टिंग द चोला ब्रॉन्ज, यानी कि चोल वंश के शासन काल में कांस्य को किस विधि से ढलवा बनाया जाता था। ये फाइबर कास्टिंग है यानी कि तंतु में ढालकर, मेटल कास्टिंग है यानी कि धात्विक प्रक्रिया से ढालकर, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है यानी कि मच्छुदित विधान से, ठीक है, और उसके बाद है सैंड कास्टिंग यानी कि बालू में ढालकर, ठीक है। चलिए अब आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। यानी चोल वंश के समय में जो कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी, प्रतिमाएं बनाई जाती थी, वो किस विधि से बनाई जाती थी, एग्जैक्टली आपको वो बताना है। चलिए जी, ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है। पहले तो आप समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है। यदि आप देख सकते हैं मधुच्छिष्ट विधान यानी व्यर्थ मोम प्रक्रिया, अब ये है क्या, जो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, छोटे छोटे जो उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है जी। अब क्या है, जब शहद निकाल लिया जाता है उसके बाद ये जो बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या है, मोम के तरीके का होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो ये मोम के तरीके से पिघलने लगता है, इसी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, इसी का ही प्रयोग पहले किया जाता था, ठीक है जी। अब मुख्य रूप से बात करेंगे, देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी मुख्य रूप से मध्य तमिलनाडु में, ठीक है, मध्य तमिलनाडु में मुख्य रूप से, क्योंकि राजधानी यहीं पर थी किसकी, अगर चोला डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में चोल वंश के जो शासक थे इनके समय में हमने देखा है बहुत सुंदर सुंदर कांस्य की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई थी, बहुत सारी हमने इससे पहले देखी भी हैं।
अब ये कौन सी प्रोसेस में बनाई जाती थी? तो ये बनाई जाती थी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। और अगर आज भी हम बात करें तो आज भी तमिलनाडु के इसी हिस्से में, ठीक है, मुख्य रूप से इसका नाम क्या है, कुंभकोणम है। याद रखेंगे क्या है कुंभकोणम, कोणम में अगर, यानी कभी कभी इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि एट प्रेजेंट, जैसे अगर हम बात करें भी चोला डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज भी इसी परंपरागत तरीके से जो धातुएं मुख्य रूप से जो कांस्य की प्रतिमाएं हैं उनको कौन सी तकनीक से ढाला जाता है, तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस की तकनीक से ढाला जाता है। आज भी एट प्रेजेंट भी इस प्रोसेस को बिल्कुल पारंपरिक तरीके से किसने अपनाया हुआ है, ये कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा है, कुंभकोणम में। कहाँ पर है ये भी? तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो याद रखेंगे स्थान का नाम कुंभकोणम। आगे बढ़ेंगे, टू विच पीरियड द सिटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला मथुरा बिलोंग्स, यानी कि कटरा टीला मथुरा से प्राप्त आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति किस काल से है? ये सातवाहन काल से है, कुशाना पीरियड से है, कुशान काल से है, गुप्ता पीरियड गुप्त काल से है, या चालुक्य पीरियड यानी कि चालुक्य काल से है। और आसनस्थ बुद्ध की अगर हम बात करेंगे, इसका अर्थ होता है बैठे हुए बुद्ध के, ठीक है जी, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। ये आपको बताना है कौन से काल से संबंधित है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और आपको पता है कि हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है जो पूछा जाता है, हर बार उसकी लैंग्वेज चेंज होती है, या तो सीधा तौर पर डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, या तो ये पूछ लिया जाता है कौन से काल से है ये पूछ लिया जाता है। और जिस भी काल से है अगर हम बात करेंगे, इस काल से ही सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई हैं, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, कुषाण काल से। बी ऑप्शन कुषाण काल से सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए हमें पता है जब हम आरंभिक ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसी समय पर मुख्य रूप से अगर हम मथुरा की बात करेंगे तो हमें पता है कि मथुरा क्या है, एक बहुत बड़ा हब था, एक विशाल केंद्र था जहां पर हमें बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई थी। मुख्य रूप से अगर हम कुषाण काल की बात करें तो कुषाण काल में हमें अलग अलग जगहों से बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, सबसे ज्यादा अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हमें कुषाण काल से, लेकिन ये जो है अलग अलग जगह से प्राप्त हुई हैं। अब इस कड़ी में भी हम लोग देखें तो मथुरा वो स्थान था जहां पर कुषाण काल की सबसे ज्यादा अधिक मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है जी। कुषाण काल की सबसे ज्यादा अधिक मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मथुरा से प्राप्त हुई हैं, और उनमें भी कटरा टीला मथुरा से हमें बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको, अच्छे से याद कर लेना है। हाउ मेनी चैत्यास आर देयर इन द अजंता टेम्पल्स, अजंता केव टेम्पल्स, अजंता गुफा मंदिरों में कितने चैत्य हैं? कितने हैं ये? चार है, एक है, दो है, या दस है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अजंता गुफा मंदिरों में कितने चैत्य हैं? चार हैं, एक है, दो हैं, या दस हैं? तो कितने हैं जी? ये बिल्कुल ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, सभी को पता है चार हैं, लेकिन करेंगे क्या, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, और अभी केवीएस में भी क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है। अजंता गुफा मंदिरों में कितने चैत्य हैं? तो चार हैं, और मैंने कोशिश की है कि समकालीन के साथ साथ क्या है, अब जो प्रीवियस, अगर हम अपने एंशियंट आर्ट की बात करेंगे, एंशियंट इंडियन आर्ट की बात करेंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ वहां से भी आपको क्वेश्चन साथ साथ में कराती जाऊं ताकि आप लोग भूले ना, ठीक है जी। कितने हैं? चार चैत्य प्राप्त हुए हैं। हमें पता है अजंता केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और यहाँ से हमें मुख्य रूप से 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से मुख्य रूप से चार चैत्य गुफाएं हैं। और चैत्य होते क्या है? जहां पर मोदिष्ट जो मॉन्क्स है वो बैठकर क्या है जी, पूजा अर्चना करते हैं, है ना, पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये चैत्य होते हैं, और इसके साथ विहार क्या होते हैं? जहां पर बौद्धिष्ट मॉन्क जो है उनके रहने का जो स्थान होता है उसको विहार कहते हैं। तो यहाँ से मुख्य रूप से हमें चार चैत्य प्राप्त हुए हैं, और ये चैत्य हैं यहाँ पर भी हमें बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बहुत अच्छे से चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, किन में? चैत्यों में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। These are the four sub school of the Deccan school of miniature painting, यानी कि दक्षिण लघु चित्रकला, सॉरी चित्र शैली की ये चार उप शैलियां हैं। कौन कौन है? ये अहमदनगर, हैदराबाद, करीम नगर और चेन्नई है, गोलकुंडा, बेंगलुरु, मुंबई और कालीकट है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद है, या बीजापुर, बेंगलुरु, हुबली और विजयनगर है। तो ये भी आपका केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और क्या है, हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने कहा था कि भाई ज्यादातर जो पेपर है वो कहाँ से आया था आपका? एंशियंट से इस बार ज्यादा पूछ लिया गया था, मध्य से भी काफी पूछा गया था। अगर हम बात करेंगे मेडिवल पार्ट से भी काफी क्वेश्चन पूछे आए थे आपके,
क्वेश्चन बहुत इजी थे, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन जो है अगर हम उनकी संख्या की बात करेंगे, कहीं ना कहीं जो बच्चे समकालीन पर ज्यादा जोर दिए हुए थे वो कहीं ना कहीं इस बार पासा पलट गया था। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, सी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद। और इनको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक एक क्या है, एक एक उपशैली के बारे में, एक एक कला केंद्र के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब देखिए, दक्षिण भारत की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ से चांद सुल्ताना जो कला विदुषी थी उनका नाम जो है बहुत ज्यादा लिया जाता है। कौन थी? चांद सुल्ताना, ये वहां के जो शासक थे मुख्य रूप से बीजापुर, है ना, उन्हीं की क्या थी, क्वीन थी, रानी थी। तो अगर हम बात करेंगे चांद सुल्ताना, ये एक बहुत अच्छी कला विदुषी तो थी, साथ में इनको अगर हम नक्षत्र, है ना, अगर हम नक्षत्र की बात करें और खगोल विद्या की, इनको बहुत अधिक नॉलेज थी। इन्होंने खगोल और नक्षत्र विद्या पर काफी सारे चित्र भी बनाए थे और साथ साथ में कुछ इन्होंने ग्रंथों की भी रचना की थी। और कैसे ग्रंथ थे ये? सचित्र ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन थी? चांद सुल्ताना। अब अगर हम बात करें कि दक्षिणी शैली की, जब हम बात करते हैं किससे प्रभावित रही है, तो देखिए दक्षिणी शैली जो है ये ईरान की अरेबियन कला से, ठीक है, सॉरी, ईरान और अरेबियन कला से प्रभावित रही है। कौन सी शैली? दक्षिणी शैली। अब यहाँ से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में जो सीधे सीधे जिन पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो कौन कौन से हैं, या यहाँ की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो दक्षिण शैली की हैं जो कई बार पूछी जाती हैं, उनमें से एक है मैना और स्त्री, दूसरी है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ये तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। चलिए, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी थी। ये कौन है? ये डीपी राय चौधरी है, फणीन्द्र नाथ बोस है, बीपी करम कारकर है, या शंखो चौधरी है, कौन है? जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फणीन्द्रनाथ बोस। इनको ही क्या है, देखिए जब फणीन्द्रनाथ बोस की हम बात करते हैं, इनके बारे में हमने बहुत कम सुना है, लेकिन कम क्यों सुना है, रीजन क्या है, क्योंकि ये 37 ईयर्स के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि अगर हम बात करें कला के क्षेत्र में, है ना, कला के क्षेत्र में ये बहुत कम समय तक ही, कला के क्षेत्र में ये बहुत कम समय तक ही कार्य कर पाए थे, लेकिन इस कम समय में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी क्या थी, जो मूर्तियां थी उनका निर्माण किया था, बहुत ही सुंदर, अद्भुत और अलग तरह की मूर्तियों का ये निर्माण करते थे। और यही कारण था कि इनको मुख्य रूप से ब्रॉन्ज में, क्या है, मुख्य रूप से ब्रॉन्ज में जो मानव शरीर है उसकी मूर्तियां बनाने के लिए बहुत ही फेमस थी। और यही कारण था कि इनकी प्रसिद्धि और इनकी कला से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थे, इन्होंने इनको पैलेस का, क्या है, इन्होंने वहां पर ही कलाकार के रूप में नियुक्ति दे दी थी। और इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई बड़ौदा का जो, या इनका जो पैलेस है लक्ष्मी विलास पैलेस, और उसके साथ साथ लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए तो इन्होंने इनको नियुक्त किया ही था कि भाई यहाँ की साज सज्जा, यहाँ की मूर्तियां जो है वो आपको ही बनानी है। इसके साथ साथ जो बड़ौदा आर्ट गैलरी थी उसके लिए भी इन्होंने कई कार्य किए थे, यानी कई कृतियां उसके लिए भी तैयार की थी। कौन है ये? फणीन्द्रनाथ बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच सब स्कूल ऑफ द राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड मोस्टली द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित हुई है? ये मेवाड़ उपशैली है, ये बूंदी शैली है, बीकानेर शैली है, या जयपुर उपशैली है, इन सभी उपशैलियां हैं। तो इसके लिए हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम सबको पता है डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, जयपुर उपशैली। ठीक है जी, जयपुर उपशैली। रीजन क्या था? हमें पता है जयपुर के शासकों की जब हम बात करते हैं तो उनके मुगलों के साथ कई वैवाहिक संबंध थे। ठीक है, और अगर मुख्य रूप से मान सिंह का समय ऐसा आता है, जो जयपुर के शासक थे मान सिंह, इनके समय में मुगल जो साम्राज्य है, मुगल जो शासक थे उनके साथ इनके मैत्रिक संबंध थे ही थे, लेकिन वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए थे।
कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा भाई, कल्चर का आदान प्रदान होगा, है ना, संस्कृति का आदान प्रदान होगा। कुछ ही उनसे प्रभावित रहेंगे, कुछ वो इनसे प्रभावित रहेंगे। और यही वो समय था जब मुगल शैली का जो प्रभाव है जयपुर शैली पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। हमने देखा है कि मुगल शैली जो है उसमें ज्यादातर राजसी ठाठ-बाठ के चित्र बहुत अधिक बने थे। कहीं ना कहीं ये समय वो था जब इस मुगल शैली से प्रभावित होकर यहाँ जयपुर शैली में भी हमें उस तरीके के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है, अब आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। ठीक है, अमित अम्बालाल वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है कहाँ से हैं, लखनऊ से हैं, बी ऑप्शन दिल्ली से हैं, सी कलकत्ता से हैं, या डी अहमदाबाद से हैं। और देखिए, जब हम अमित अम्बालाल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो कलाकार हैं जिनके जिनके कुछ पेंटिंग्स को देखकर आप लोग अपने बचपन को याद करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग अपने बचपन को याद करेंगे, क्योंकि बचपन के कुछ हमारे ऐसे करेक्टर्स थे जिनको इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में स्थान दिया था। कौन है अमित अम्बालाल? जल्दी से जल्दी सब लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, अहमदाबाद। और जैसे कि हमने कहा, अ से अहमदाबाद, अ से अम्बाला। देखिए, ये तो बस ऐसा होता नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें अमित अम्बालाल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन इनके द्वारा बनाए गए कुछ करेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनकी एक पेंटिंग है जिसमें था बिटवीन बघीरा एंड शेर खान। मोगली सबने देखी होगी बचपन में, है ना, जंगल बुक, उसमें था बघीरा। ठीक है, मोगली था, शेर खान था, बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स थे जो शायद आपने आप में से भी कई लोगों ने देखे होंगे। हमारा बचपन तो उनको ही देख कर निकला है जी, है ना। उस समय पर ज्यादा कार्टून जो थे चैनल्स होते नहीं थे, संडे के संडे हम लोग जंगल बुक देखते थे, और तो वहां के करेक्टर्स हैं। कहीं ना कहीं इसको हम लोग अपने बचपन से ही अपने से बड़ा क्लोज पाते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रिक है आपकी याद करने के लिए, इन्होंने ही क्या है इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई है। मुख्य रूप से आपको मोगली की जगह, मोगली के स्थान पर एक और कोई व्यक्ति दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या है, बिटवीन द बघीरा एंड शेर खान, ये कोई और व्यक्ति है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन करेक्टर्स जी वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु पेंटेड द फेमस कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग डायगनल? डायगनल क्या है, जिसको हम कहते हैं विकर्ण, यानी कि भारतीय समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र विकर्ण को किसने चित्रित किया है? लास्ट सेशन में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसकी एक पेंटिंग के बारे में हमने बात की थी। ऑप्शन ए है कमलेश दत्त पांडे, ऑप्शन बी है राय कृष्ण बोस, ऑप्शन सी है धीरज चौधरी, ऑप्शन डी है तैयब मेहता। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो है ये किसने बनाई है, डायगनल यानी कि विकर्ण को किसने चित्रित किया है, किसने चित्रित किया है जी। ठीक है, और आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, मैंने आपको एक पेंटिंग दिखाई थी। ठीक है, और वहां पर हमने क्या देखा है कि पेंटिंग्स को कुछ इस तरीके से क्या किया गया था, है ना, इसका पार्टीशन किया गया था, जैसे बीच में बीच से पेपर को फाड़ दिया गया हो, उसी तरीके से एक विकर्ण इस तरीके से बनाई गई थी, और जो आकृति है उसको ऐसे ऐसे बनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद आया होगा। ठीक है, वैसे तो ये बहुत फेमस है। कौन है? डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, तैयब मेहता। ठीक है, तैयब मेहता। और जब हम विकर्ण की बात करेंगे, डायगनल की बात करेंगे, हमें पता है ये क्या है, श्रृंखला है, यानी कि एक सीरीज है, ये भी कई बार पूछा जाता है। अब इसके बाद एक स्टेप और डीप चलेंगे, तो डायगनल सीरीज जो है इसका माध्यम क्या रहा है, तो कैनवस पर ऑयल से इसको बनाया गया है। क्या है? कैनवस पर ऑयल से इसको बनाया गया है। एक स्टेप और डीप चलेंगे कि इसको संरक्षित कहाँ पर किया गया है। बहुत सारी इसकी पेंटिंग है, लेकिन कुछ पेंटिंग्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। कहाँ पर है याद रखेंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये संरक्षित है, याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द पेंटिंग ऑफ द राग माला वॉज सॉरी स्पेशली सॉरी स्पेशली प्रोटोनाइज्ड सॉरी पेट्रोनाइज्ड बाय मोहम्मद अली शाह बिकॉज ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन। रागमाला चित्रण का विशेषतः संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया क्योंकि उनकी रुचि डैश में थी। ठीक है, स्पेशली पेट्रोनाइज्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह बिकॉज ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन। किस पे इंटरेस्टेड थे ये आपको बताना है, साहित्य में, सुलेख में, संगीत में, या नृत्य में।
तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? देखिए, हमें पता है जब भी हम रागमाला की बात करेंगे, रागमाला किससे संबंधित है जी? संगीत से संबंधित है ना? तो संगीत से संबंधित जो रागमाला है, हमें पता चल गया यहाँ पर कि जो आदिल शाह थे, इनका इंटरेस्ट किसमें था? संगीत में था। अगर आपको ये नहीं पता किसमें इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर क्या है, हिंट आपको मिल गया है कि रागमाला का चित्रण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, संगीत। ठीक है, और इन्हीं के इनके इंटरेस्ट यानी संगीत में ही इंटरेस्ट के नाते हमें इनके समय की जो है कई ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलती है जहां पर रागमाला का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? रागमाला का चित्रण किया गया है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनकी संगीत में कितनी रुचि है। ठीक है, क्योंकि बाकी और सब्जेक्ट्स को छोड़कर रागमाला पर हमें अधिक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और हमें पता है जब हम हमारे ऐतिहासिक चित्रों की बात करते हैं तो उस समय पर क्या है, ऐतिहासिक या अगर हम बात करें एंशियंट या मेडिवल पार्ट की बात करें, तो वहां पर जो शासकों का इंटरेस्ट होता था उसी के अकॉर्डिंग ही कला का निर्माण भी किया जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई या जली लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता था? ये जय स्वामीनाथन है, शंकु चौधरी है, जयराम पटेल है, ये शर्वरी राय चौधरी है, ये कौन से कलाकार हैं? जी, ये जय स्वामीनाथन है, शंकु चौधरी है, जयराम पटेल है, ये शर्वरी राय चौधरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी सी, जयराम पटेल। क्या है? जयराम पटेल। अब यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर नाम है जयराम पटेल। अगर मान लीजिए यहाँ पर जयराम पटेल ना होकर सतीश गुजराल होता, ठीक है, सतीश गुजराल होता, तो ये भी आंसर सही होता। रीजन क्या है? ये दो वो कलाकार हैं, कौन? जयराम पटेल और सतीश गुजराल, जिन्होंने जली या जलाई हुई लकड़ियों का प्रयोग किया है अपनी मूर्तियों के निर्माण के लिए। चलिए अब इनकी डिटेल थोड़ी सी देख लेंगे। जयराम पटेल मुख्य रूप से ग्राफिक कलाकार के रूप में हम इनको जानते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ मूर्तियों का भी निर्माण किया था। अगर हम ग्राफिक कलाकार के रूप में बात करते हैं, तो इनको इंक के द्वारा, ठीक है, क्या होती है, जो स्याही था उस माध्यम से इनको ग्राफिक जो है बनाने का बहुत अधिक शौक था, उसको इन्होंने ज्यादा यूज किया है। अब जो इन्होंने अपनी इसके साथ कुछ मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें क्या है, जली हुई लकड़ियों का प्रयोग करते थे, और ये मूर्तियां भी कैसी हैं, ये मूर्तियां भी कैसी हैं जैसे कोई एंटीक्स होते हैं, यानी कि उनको जो है एक मानव आकार बहुत कम देखने को मिलेगा, कुछ एंटीक्स या अब्स्ट्रैक्ट में आपको ये मूर्तियां इनकी ज्यादा देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ी मूर्ति शिल्प इन्होंने नहीं बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए हैं। इसके साथ साथ कागज पर इन्होंने रेखांकन किया है, धातु की चादरों का प्रयोग भी किया है, और लकड़ी के जो फलक होते हैं उन पर भी रिलीफ का चित्रण भी इन्होंने किया है। अब ये जयराम पटेल, जो इन्होंने छोटी छोटी मूर्तियां जिनकी हम बात कर रहे थे कि एज एंटीक इन्होंने उसको बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जली हुई लकड़ियों का भी प्रयोग किया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। रागमाला पेंटिंग्स रिप्रेजेंट यानी कि रागमाला चित्रों में किसका निरूपण है? व्यक्ति चित्रण का, धार्मिक कथाओं का, ऋतुओं का, या राग रागनियों का? ये थोड़ी देर पहले ही हमने कवर किया है, तो इसको भाई हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हमें पता है जब हम रागमाला की बात करते हैं, तो रागमाला क्या है, संगीत से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर राग और रागनियों का चित्रण किया गया है। रागमाला में क्या है, राग और रागनियों का चित्रण किया गया है, राग और रागनियों को रिप्रेजेंट करती है रागमाला। ठीक है जी, चलिए अभी तक ये तो बहुत इजी है, सबको इसके बारे में पता है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि रागों जो रागमाला में भी राग को, ठीक है, राग को रिप्रेजेंट करते हैं पुरुष, और रागनियों को रिप्रेजेंट करती हैं स्त्रियां यानी कि महिलाएं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और डीप चलेंगे। देखिए, जब राग की आरोह अवस्था होगी, ठीक है, राग की आरोह अवस्था होगी, तो इसको राग ही कहा जाता है, तो इसको पुरुष रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब राग की अवरोह अवस्था होती है, तो इसको रागनी कहा जाता है, और उसको रिप्रेजेंट करती है स्त्रियां। याद रखेंगे, आरोह में पुरुष, ये भी आपको पूछा जा सकता है, आरोह में पुरुष और अवरोह में स्त्रियां, याद रखनी है। ठीक है, अवरोह ये भी आपको पूछा जा सकता है कि राग की अवरोह अवस्था को कौन रिप्रेजेंट करता है, किसके द्वारा दिखाई जाती है, तो पुरुषों के द्वारा। और राग की अवरोह अवस्था को कौन रिप्रेजेंट करता है, किसको दिखाया जाता है, तो स्त्रियां आएगा। अब वहां आपको थोड़ी ना पता होगा जी, राग को पुरुष रिप्रेजेंट करते हैं और रागनियों को महिलाएं। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर देखना है ध्यान से। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, राजस्थानी चित्रकला शैली में सिर्फ और सिर्फ 6 राग हैं जिनको दिखाया गया है। ठीक है, 6 रागों को दिखाया गया है, और 36 रागनियों को। हमें पता है 6 राग हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं, सॉरी, 6 राग होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें राजस्थानी चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं, और इसके साथ 36 रागनियां हैं। कितनी है? 36।
सिक्स राग है, 36 रागनियां हैं, तो यही हमें देखने को मिलती है राग रागनियों में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाउल डांस शीर्ष की श्रृंखला के रचनाकार हैं, ठीक है, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं, जे स्वामीनाथन है, सुधीर रंजन खस्तागिर है, मंजीत बावा है, जगन्नाथ पंडा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है कई बार। क्या है जी, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो कौन है जी, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सुधीर रंजन खस्तागिर इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन एकदम सही है, सुधीर रंजन खस्तागिर। और इन्होंने ही क्या बनाई थी, बाउल डांस पूरी की पूरी ये एक पेंटिंग नहीं है, श्रृंखला है, और उसको किसने बनाया है, सुधीर रंजन खस्तागिर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द पेंटर ऑफ द फेमस मुगल मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, यानी कि प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। ये वसावन है, मनोहर है, मिसिकन है, दसवंत है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया था जी। अगर आप में से किसी ने पेपर दिया होगा तो याद आ गया होगा आपको। बसवन, मनोहर, मिसिकन या दसवंत। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, मिसिकन ने इसको बनाया था। किसने बनाया था, मिसिकन ने इसको बनाया था। ठीक है, और ये क्या है, ये था कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, ये वही चित्र है। अब बात करेंगे इसको किस माध्यम में इन्होंने बनाया है, तो कागज पर जल रंग और टेम्परा तकनीक में इन्होंने बनाया है। किसमें, कागज पर जल रंग, वॉटर पेंट से, और टेक्निक कौन सी है, टेम्परा है। एक स्टेप और डीप चलते हैं, कहाँ पर संरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रीवियस कुछ ईयर से आपको पता है ये भी पूछा जाता है पेंटिंग से रिलेटेड कि वो कहाँ पर सुरक्षित हैं, जो खासकर इस तरीके की हमारी पुरानी बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं। तो क्या है, वर्तमान में एट प्रेजेंट ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। द मॉन्यूमेंट किसकी कृति है, ये राघव कनेरिया की है, धनराज भगत की है, राम किंकर बैच की है, या बलवीर सिंह कट की है। द मॉन्यूमेंट किसकी कृति है, राघव कनेरिया की है, धनराज भगत की है, राम किंकर बैच की है, या बलबीर सिंह कट की है। जी बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है द मॉन्यूमेंट किसकी कृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बलबीर सिंह कट की है। ठीक है जी, बलबीर सिंह कट की है, जिनको किस लिए जाना जाता है, जिनको जाना जाता है कि जो बहुत ही हार्ड है ना, बहुत ही हार्ड मटेरियल पर जो कार्य करते थे, मुख्य रूप से जो पत्थर है उस पर इन्होंने कार्य किए हैं, मूर्तियां बनाई हैं। और इनकी मूर्तियां कैसी होती थी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है ना, बिग स्ट्रक्चर्स इनके हमें देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलबीर सिंह कट की। तो रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि उस समय के भारत में 1935 में, और अभी के पाकिस्तान में। इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन से इनकी शिक्षा हुई, और साथ ही साथ रॉयल कॉलेज आर्ट लंदन यूके से भी इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। अब ये क्या है, ये इनके द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है, और ये मूर्ति किसकी है, ये मूर्ति है राम किंकर बैच की। ठीक है जी, राम किंकर बैच की ये मूर्ति है, और हमें पता है कि राम किंकर बैच क्या थे, इनके कला गुरु थे। कौन थे, इनके कला गुरु थे, कहीं ना कहीं अपने गुरु को जो है इन्होंने श्रद्धांजलि दी है अपने गुरु को, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबीर सिंह कट के कला गुरु कौन है, तो कौन है, राम किंकर बैच है, या राम किंकर बैच की जो है पत्थर से, ये पत्थर के माध्यम से किसने एक काफी बड़ा मूर्ति शिल्प बनाया था, तो किसने बनाया है, ये बनाया है बलबीर सिंह कट ने, जो इनके शिष्य थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। द पेंटर्स ऑफ द बंगाल स्कूल रिजेक्टेड, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किसे अस्वीकृत किया, जल रंग को, टेम्परा तकनीक को, चित्राधार यानी कि ईजल पेंटिंग को, यह हाथों से बना हुआ ड्राइंग कागज। मुख्य रूप से बंगाल शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं, आप बंगाल स्कूल की बात करेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, जितने भी सब लोग हैं ना, तो ये क्या है, बंगाल शैली के चित्रकार। अब इनमें से कौन से टेक्निक को उन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया था कि भाई इसमें तो हमें काम करना ही नहीं, वो आपको बताना है।
ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जल रंग में भी इन्होंने कार्य किया है, टेम्परा टेक्निक को भी इन्होंने बनाया, क्योंकि प्राचीन भारतीय कला से संबंधित है, जल रंग भी है ना, ये इनकी अपनी है। अगर हम बात करेंगे हाथों से बनाए हो ड्राइंग पेपर, उसमें भी कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम ईजल चित्रण की बात करेंगे, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? रीजन क्या था? पश्चिमी कला शैली, है ना, पश्चिमी कला शैली। भाई सबसे ज्यादा पश्चिमी कला शैली का जो प्रभाव उस समय भारतीय चित्रकला पर पड़ा था, इसलिए बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी कि कहीं ना कहीं जो पश्चिमी कला शैली है या उसके जो माध्यम है उसका जो प्रभाव है भारतीय चित्रकला से, उसको क्या करना है जी, उसके प्रभाव को कम करना है, दरकिनार करना है। ठीक है, हम ये नहीं कहते थे कि भाई इसको बिल्कुल आप त्याग दीजिए, ये कहते थे कि ठीक है लेकिन अपनी कला को भी आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए बंगाल शैली के चित्रकारों का या बंगाल स्कूल का इसलिए स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्या था ये? ईजल चित्रण, पश्चिमी कला शैली के जो कई माध्यम थे उसको इन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल बायकॉट कर दिया था। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे 1904 में, जब क्या है, जब ई वी हेबल ने, है ना, जब ई वी हेबल ने किसको, अवनींद्रनाथ टैगोर को वाइस प्रिंसिपल बना दिया था, कहाँ का, कलकत्ता कला महाविद्यालय का। तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले कार्य क्या किया, इन्होंने सबसे पहला यही कार्य किया कि जो कॉलेज की जो दीवारें थी, है ना, कॉलेज की दीवारों पर जो पश्चिमी शैली में, मुख्य रूप से जो ईजल पेंटिंग में जो उन पर चित्रण किया गया था, पेंटिंग्स बनाई गई थी, उन पर इन्होंने चूना पुतवा दिया, पूरी की हटवा दी, साफ करा दी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो भारत की हमारी परंपरागत कला शैली थी, चाहे वो अजंता से संबंधित थी, बाघ, एलोरा, राजपूत व मुगल शैली से संबंधित पेंटिंग, इन्होंने पूरे के पूरे क्या है, कला भवन, सॉरी, पूरे के पूरे कलकत्ता कला महाविद्यालय जो है उसकी दीवारों पर बनवा दी थी भारतीय शैली को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। निनिवा शेख की कलाकृतियां इनमें से प्रभावित हैं, किससे है, मुगल लघु चित्र से, जापानी वुड कट से, पाश्चात्य आधुनिकता से, या ऊपरी, सभी सही हैं। नीलिमा शेख कौन सी कलाकृतियों से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित रही हैं, कौन सी ऐसी कलाकृति है जो इनकी पेंटिंग्स में हमें आज भी देखने को मिलती हैं, वो आपको बताना है। ठीक है जी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपरी सभी सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नीलिमा शेख मुगल चित्रकला से भी प्रभावित थी, जापानी वुड कटर से भी प्रभावित थी, पाश्चात्य आधुनिकता से भी प्रभावित थी। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नई शैलियों को तो अपनाया था, साथ में जो हमारी पुरानी परंपरागत शैलियां थी इनको भी अपनाया, और इनको सबको अपनाने के बाद जो इनकी नई शैली हमें देखने को मिलती है वो कुछ किस तरीके की थी, वो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है जी, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर आपने अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई हैं, चाहे आप मुगल कला की बात करें, राजस्थानी कला की बात करें, एक ही छोटी सी क्या है पेंटिंग में आपको कई सारी चीजें एक साथ देखने को मिलती है ना। बात करें चाहे जो मनुष्य है इनकी बनावट की बात करें, कहीं ना कहीं तो इन सबसे प्रभावित रही हैं, पश्चिमी कला शैली जो उससे भी प्रभावित रही हैं। ठीक है, और ये जो पेंटिंग है ये इनकी एक श्रृंखला से ली गई है जिसका नाम था प्रत्येक रात कश्मीर को अपने सपनों में, उसकी श्रृंखला की एक पेंटिंग है, सीरीज की एक पेंटिंग है। बात करेंगे नीलिमा शेख की, तो नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था जी। डेट हम लोग जो है एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, डेट बहुत कम पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ 18 नवंबर 1945, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस एक बार देख लीजिए याद आपको क्या रखना है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, नई दिल्ली में। अब देखिए इसके साथ नीलिमा शेख और बाकी हमारे जितनी भी महिला कलाकार थी उस समय की, यानी समकालीन जो महिला कलाकार थी, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई थ्रू द लुकिंग ग्लास ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, अगर हम बात करेंगे 1987 से लेकर 89, ये एक ऐसा समय था जब नीलिमा शेख, नलिनी मालिनी, माधवी पारेख, अर्पिता सिंह, ये सारी जितने भी महिला कलाकार थी, इन सब ने क्या किया, थ्रू द लुकिंग ग्लास नाम से एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज ये करवाती थी, जहां पर इस एग्जीबिशन का नाम था थ्रू द लुकिंग ग्लास, और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इन महिला कलाकारों के ही चित्र जो हैं, इनकी कलाकृतियां ही हमें देखने को मिलती थी। तो इसीलिए थ्रू द लुकिंग ग्लास क्या है, ये हमारी उस समय की समकालीन महिला कलाकारों के द्वारा जो है आयोजित की गई कला प्रदर्शनी थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हु पेंटेड द फेमस मुगल मिनिएचर पेंटिंग बाबर क्रॉसिंग द रिवर स्टोन, प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र बाबर सोन नदी को पार करते हुए को किसने चित्रित किया? अबुल हसन ने, मनोहर ने, मिशिकन ने या जगन्नाथ ने? बाबर सोन नदी को पार करते हुए, बहुत ही सुंदरी पेंटिंग है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको नहीं देखा होगा, एक दो कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर। तो ये पेंटिंग भी इसके बाद में आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जगन्नाथ, ठीक है। क्या है कि ये जो पेंटिंग है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, ये किसने बनाई थी? जगन्नाथ ने बनाई थी। किसके समय में बनाई है जी? अकबर के समय में बनाई है, ये भी आपको याद रखना है। किसके समय में? अकबर के समय में इस पेंटिंग को बनाया गया है। किसके द्वारा? जगन्नाथ के द्वारा, ठीक है जी। मुगल शैली की बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है, हमें पता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो बाबर नामा था ना, उसी पर आधारित है। बाबर नामा में कई किस्से, कई कहानियां जो हैं बाबर नामा से संबंधित, बाबर से संबंधित, वो हमें उनका उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं में से ही एक कोई आख्यान था, उस पर जो है ये पेंटिंग बनाई थी, जो जगन्नाथ ने बनाई थी। अब अगर पूछा जाता है कि इसका माध्यम क्या है, ठीक है, इसका माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम है जल और विधि टेम्परा रही है ना। क्या है इसकी टेक्निक? टेम्परा रही है, जल में इसको बनाया गया है, यानी कि वॉटर पेंट में इसको बनाया गया है। अकबर के शासनकाल में इसको चित्रित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, अकबर के शासनकाल में। क्योंकि हमें पता है, चाहे हुमायूं से संबंधित, चाहे बाबर से संबंधित, जो ज्यादा पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, वो अकबर के समय में ही देखने को ज्यादा मिलती हैं। कुछ हमें शाहजहां के समय में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है हमें अकबर के समय में देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, इसको कहाँ पर संरक्षित किया गया है? तो इसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शुक्र करिए कि उस समय की कुछ तो हमारे पास पेंटिंग जो है हमारे पास बची है, नहीं तो ज्यादातर जो है आपको लंदन या बाहर की जो कई म्यूजियम है, वहीं पर ही हमें ये पेंटिंग्स देखने को मिलती है ज्यादातर उस समय की। तो ये क्या है, बाबर सोन नदी को पार करते हुए, आप देख सकते हैं ये बाबर है और ये सोन नदी है, ठीक है, बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एक साथ देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे ये पीछे का आप दृश्य देख लीजिए, ठीक है, एक साथ देखिए घोड़ा जो है उनको भी नाव में बैठकर पार कराया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही पेंटिंग में हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। कहीं पे थोड़ा सा लैंड भी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये देख लिया आपने, मैम आपको ये क्यों बता रही है इसके बारे में डिटेल में? भाई मैं तो आपको पेंटिंग दिखाती साइड हो जाती, इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको एक पेंटिंग दिखाई थी नीलिमा शेख की, है ना, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये बहुत सारी जो कला की कई सारी शैलियां हैं जिनसे ये प्रभावित रही है। तो यही जो इस तरीके के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से, जहां पर एक ही पेंटिंग में कई सारी चीजें हमें एक साथ देखने को मिलती हैं, टॉपिक एक ही रहता है ना, लेकिन कई दृश्य हमें एक साथ एक पेंटिंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन हमारी कला है, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से हमारे जो हमारे समकालीन कलाकार हैं, उन्होंने भी इनको अपनाया है, वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काष्ठ उत्कीर्ण की शुरुआत किसने की थी? दत्तात्रेय आप्टे ने की है, एनएस कृष्णा रेड्डी ने, सनत्कर सर ने की है, सोमनाथ होर ने की है? बात किसकी की जा रही है जी? काष्ठ, है ना, जब हम वुड इंटेग्लियो की बात करते हैं, वो पूछा जा रहा है आपसे, किसकी शुरुआत किसने की है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में पहले बता चुकी हूँ, अभी एक पेंटिंग दिखाऊंगी तो आपको शायद और अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है जी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सनत्कर सर, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्या है, सनत्कर सर, इन्होंने ही क्या है वुड इंटेग्लियो की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था 1935 में, और इन्होंने ही भारत में वुड एंटिग्लियो की नाम इसकी शुरुआत की थी। और ये जो नाम है, ये जो पूरी की पूरी जो ये विधि थी कला की, ये सनत्कर सर ने ही इसको विकसित किया था, और उन्होंने ही इसको नाम दिया था वुड एंटिग्लियो, ठीक है, उन्होंने ही इसको नाम भी दिया है। अभी अगर हम बात करें, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे हैं, क्यों, रीजन क्या था? अभी इसी साल की एकदम शुरुआत में 9 जनवरी को, ठीक है, और 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी 2023 को, इस साल की शुरुआत में ही इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। इनकी एक सीरीज बहुत ज्यादा फेमस रही थी, लीव सीरीज, है ना, पत्ता सीरीज देख सकते हैं आप, ठीक है, फ्रेल इसका टाइटल है। तो ये इनकी जो लीव सीरीज थी, उसकी एक पेंटिंग आपके सामने है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, पतझड़, ठीक
ठीक है जी, तो उसको आप देख लीजिए क्योंकि हो सकता है इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम वेयर द मास्टर पेंटर्स ऑफ द मुगल स्कूल, और ये कौन थे, अबुद समद और मीर सैयद वर ब्रॉट टू आगरा, यानी कि मुगल लघु चित्र शैली के उस्ताद चित्रकार अबू समद और मीर सैयद अली को कहां से आगरा बुलाया गया था। ये अरब से बुलाया गया था, मिस्र से, तुर्की से या फारस से। इस पर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम सभी को पता है फारस ईरान से इनको बुलाया गया था। मुख्य रूप से बुलाया नहीं गया था, बात करें तो इनको कौन है, हुमायूं अपने साथ लेकर आए थे, है ना। जब क्या है, दूसरी पारी में, अपने सत्ता की दूसरी पारी में, जब दूसरी बार क्या है हुमायूं सत्ता में आए थे, यानी कि जब वो क्या है फारस गए, वहां से कुछ हेल्प लेके आए, और भी कई शासक थे उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दिल्ली पर दोबारा से आक्रमण किया था और जो इनकी सत्ता छीन ले गई थी वो वापस इन्होंने ले ली थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी समय पर ये फारस ईरान से अपने साथ अबू समद और मीर सैयद अली, जो बहुत ही अच्छे फारसी ईरानी कलाकार थे, चित्रकार थे, उनको अपने साथ ही लेकर आए थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मुगल काल में जो चित्रकला का श्री गणेश हुआ था वो किसने किया है, तो अबू समद और मीर सैयद, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये चित्रकला आरंभ हुई थी मुगल काल में। क्योंकि हुमायूं जो वापस आए तो उसके 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत बार हमें पता है, और उस समय इनके साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, सत्ता किसके पास चलेगी, अकबर के पास चलेगी। तो अकबर तो उस समय 13 साल के बच्चे थे, अकबर को खुद ही चित्रकला की शिक्षा देते थे। तो कहीं ना कहीं ये दो वो कलाकार हैं जिन्होंने क्या किया, भाई अकबर का नाम आता है, हुमायूं का नाम आता है, लेकिन जब शासक की मृत्यु होगी, दूसरे शासक जो है वो अभी एकदम बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मुगल काल में चित्रकला का आरंभ हुआ तो ये दो कलाकार थे, इन्होंने ही अकबर को भी चित्रकला की शिक्षा दी थी। इन्हीं के कारण अकबर जो है एक बहुत अच्छे चित्रकार और एक बहुत अच्छे चित्रकार चित्रकारों को जो है सम्मान देने वाले जो है एक शासक के रूप में जो है उनका विकास हुआ। कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से ही जो है मुगल काल की जो कला है वो हमें देखने को मिलती है ना। अगर हम बात करेंगे दोनों ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से शैली के कलाकार हैं, तो ये ईरानी शैली के कलाकार हैं और इन्होंने ही अकबर को चित्रकला भी सिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट सिंबलाइज विच द नेवी ब्लू कलर यूज्ड इन व्हील ऑफ आर इंडियन नेशनल फ्लैग, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है, हिंद महासागर का प्रतीक है, स्वच्छ आकाश और महासागर की भांति सुखद एवं विस्तृत है, राजसी प्रतिष्ठा एवं शक्ति है, यह भारतीय जल सेना की शक्ति है। अभी प्रीवियस जो हमारा सेशन रहा था वहां पर मैंने आपको पूछा था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है इस पर जो ये अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो हमें पता है उत्तर प्रदेश से जो अशोक स्तंभ हमें प्राप्त हुआ है वहां से इसको लिया गया है ना। अभी आपसे पूछा गया है कि गहरे नीले रंग का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है, यानी कि जो नीला रंग स्पेसिफिक वहां पर दिखाया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा गया है, उसका आंसर आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, स्वच्छ आकाश और महासागर की भांति सुखद एवं विस्तृत, ठीक है जी। देखिए जब हम अशोक चक्र की बात करते हैं, अशोक चक्र इसको क्यों कहा गया था, मुख्य रूप से हमें पता है अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे जहां पर एक चीज हमें सिमिलर दिखाई देती है, वो था ये धम्म चक्र, इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता है, धम्म चक्र, यानी कि धर्म के मार्ग में निरंतर आगे चलते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो और क्या है अपने राष्ट्र को जो है विकास की दिशा में आगे लेते जाइए और चरम ऊंचाई तक पहुंचाइए। मुख्य रूप से हमें पता है अकबर के समय में जब क्या है जब वो बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसके बाद जो है उनकी जो मानसिकता है जो पहले कुछ अलग थी बाद में ये चेंज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म का जो है प्रचार प्रसार भी किया था। तो इसी रूप में जो है ये जो चक्र जो अशोक स्तंभ पर या अशोक स्तंभ इनको कहा गया क्योंकि अशोक के द्वारा कई स्तंभों का निर्माण कराया गया था जहां पर ये चक्र हमें
विशेष रूप से हर स्तंभ पर देखने को मिलता है। इसी को अशोक चक्र, मुख्य रूप से धम्म चक्र इसको कहा जाता था, इसी को ही अशोक चक्र कहा गया और हमारे राष्ट्रीय भारतीय ध्वज में भी इसको स्थान दिया गया, जो निरंतर गति का प्रतीक है। ठीक है, कौन से, यानी कि धर्म के मार्ग पर चलते रहिए 24 घंटे, है ना, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए, अपनी तरफ से आपने कुछ गलत नहीं करना है, सब अच्छा अच्छा करते जाइए, निरंतर जो विकास करते रहिए, प्रगति करते रहिए और बस आगे बढ़ते रहिए और अपने देश को विकास की चरम ऊंचाई तक पहुंचाइए। और ये भावना कौन दिखाता है, कौन दर्शाता है, धर्म चक्र भी जिसको कहा गया है, अशोक चक्र, ठीक है, और कहाँ पर है, ध्वज के मध्य भाग में इसको स्थान दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, उसी से ही कितने प्रश्न इस तरीके के बनते हैं। ठीक है जी, चलिए गाइस, ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है जी, जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है और शेयर कब करना है जी, क्लास के स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया करिए। ठीक है, अब कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी क्लास होगी, रीजन आपको पता है कि आपकी प्रीमियर क्लास मैंने क्यों ली है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है होप सो परसों में आपकी लाइव क्लास हो, अगर लाइव क्लास नहीं ले पाई तो प्रीमियर क्लास आपकी रहेगी रहेगी। ठीक है, कोशिश करूंगी कि लाइव क्लास आपकी रहे। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच।